मैं प्रकाश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ई लर्निंग प्रोग्राम में, जहां आज हम लोग 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स की कि इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है। इलेक्ट्रो, अगर जैसे ही हमारे दिमाग में वर्ड आता है ना इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब होता है एट द रेस्ट पोजीशन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह फील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स को। कभी भी आप प्लास्टिक के चेयर पे या कहीं पे बैठते हो तो आपके अगर बॉडी से वो कांटेक्ट में आता है तो आपके जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स होते हैं वो राइज कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट होता है। तो हमें जानना ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट में बेसिकली जो फोर्स होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम लोग दो चार्ज के बीच फोर्स किस लॉ से निकालने वाले हैं और चार्ज होता क्या है, ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहली पॉइंट इसमें क्या है, चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। हां जी, चार्ज ही वो फैक्टर है जिसके कारण कोई भी मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सर्ट करता है या करना चाहता है। आपने देखा होगा कि एक बॉडी को, एक प्लास्टिक या कोई भी ऐसे मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब किया जाता है तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। बचपन में आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, प्लास्टिक के पेन को जब आपने अपने हेयर से रब किया था तो प्लास्टिक की जो पेन थी वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही थी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही हुआ था और इसमें जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो था चार्ज। तो हमने क्लियर कर लिया कि चार्ज वो फैक्टर है जो फोर्स एग्जर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो चार्ज इज दैट विच एग्जर्ट फोर्स। नाउ द टाइप्स ऑफ चार्ज, बेसिकली हम लोग दो टाइप्स के चार्ज पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आप लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज के बारे में भी जान सकते हो। मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा हिंट दूंगा। जब भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब किया जाता है या एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है या फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी के पास में आता है तो रब करने को फ्रिक्शन कहते हैं, पास में आने को इंडक्शन कहते हैं और अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच करता है तो उसको कंडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली तीनों फॉर्म में, चाहे वो कंडक्शन हो, इंडक्शन हो या फ्रिक्शन हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि चार्ज इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है तो उससे चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अगर फर्स्ट बॉडी ने दूसरे बॉडी से चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो जिसने एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है। अगर हमने दो सिमिलर चार्ज को अगर एक दूसरे के पास रखा है तो वहां पे लाइक चार्ज फॉर्म होता है और अगर दो अपोजिट चार्ज को रखा है तो अनलाइक चार्ज फॉर्म होता है। इसके अलावा आप जान सकते हो टेस्ट चार्ज के बारे में और सोर्स चार्ज के बारे में। अगर दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में काफी ज्यादा है, दैट मींस द फर्स्ट वन इज एक्सर्टिंग फोर्स टू द अदर अनदर। यानी पहला जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि पहला चार्ज सोर्स चार्ज है और दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज। एक बात आपको याद रखना होगा, सोर्स चार्ज को जनरली अपन क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेस्ट चार्ज को हम लोग जब भी डिनोट करेंगे तो उसके सिंबल्स यानी क्यू के नीचे एक नॉट का सिंबल लगा देंगे, दैट इज टेस्ट चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट। आपको क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज क्या होता है और अनलाइक चार्ज क्या होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चार्ज के यूनिट की। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्स। बिल्कुल, साइंटिस्ट जो थे हमारे कूलम्स, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए चार्ज का ऐसा यूनिट बनाया गया कूलम्स। इसका एक छोटा यूनिट भी होता है सीजीएस यूनिट, जिसे हम कहते हैं स्टैट कूलम। आपको
एक बात यहां पे और नोटिस कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि चार्ज को किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं। तो चार्ज को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज को मेजर करते हैं। इसके बाद हमें जानना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखो कई सारी प्रॉपर्टी चार्ज शो करती है, बट जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तीन है, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एडिशन। ये आपको याद रखना है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन एग्जिस्ट ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स, मींस चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे सपोज करो आपने एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को फॉर्म करना है, तो पहले बॉडी ने दूसरे बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा पॉसिबल है, फोर इलेक्ट्रॉन ले लिया ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से 3/2 इलेक्ट्रॉन या हाफ इलेक्ट्रॉन या 5/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर पाए। तो एक बात क्लियर हो गई कि क्वांटाइजेशन मींस काउंटिंग ऑफ चार्ज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई, वेयर क्यू इज चार्ज, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। जैसा आप जानते हो सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ना, सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है, और सबसे छोटे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इससे छोटा चार्ज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो अभी तक आपने सीख लिया एक फॉर्मूला चार्ज का, q इक्वल्स टू एनी, और प्लस माइनस एनी भी लगा सकते हो क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है आप इलेक्ट्रॉन को आइदर एक्सेप्ट कर सकते हो और डोनेट कर सकते हो। तो क्वांटाइजेशन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब आपने 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो जैसे वो कंजर्व रहता है एनर्जी और मोमेंटम, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब चार्ज को हम कहीं बना नहीं सकते, नया चार्ज कहीं बना नहीं सकते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल रूल ऑफ एडिशन है, एल्जेब्रिक सम है, वैसे ही चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास एक रॉड है, उसके एक टर्मिनल यानी एक सिरे पे चार्ज है 5 कूलम और दूसरे टर्मिनल पे, दूसरे एंड पे चार्ज है -3 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, हां जी 5 - 3, दैट इज 2 कूलम। तो नॉर्मली जैसे हम अर्थमेटिक्स में नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही किसी बॉडी पे जितने भी चार्ज हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो भाई बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद आपको पढ़ना है कि दो चार्ज के बीच में आप फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज। तो इसके लिए आया था कूलम्स लॉ। कूलम्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपको जानना है यार कूलम्स लॉ क्या होता है बेसिकली। तो जब भी दो चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज करो वो डिस्टेंस आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, मैंने क्या करना है कि दो चार्ज एज्यूम कर लेना है अपने दिमाग के अंदर कि भाई एक चार्ज मेरा Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस कितना है R। तो रूल क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर केवल अट्रैक्शन नहीं होता, ना ही केवल रिपल्सन होता है, यहां दोनों होता है। तो जब भी आप कूलम्स लॉ की बात करेंगे तो आपको यह जान लेना होगा कि वहां अट्रैक्शन का भी फोर्स निकल सकता है और रिपल्सन का भी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। बिल्कुल, जो दो चार्ज हमने सपोज किया था Q1 और Q2, उनको आप प्रोडक्ट कर लो तो आपको मिलेगा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2।
सेकेंड जो फोर्सेस होती है, आपने बार बार ये पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर 11th क्लास में भी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मींस जो दो चार्ज के बीच का सेपरेशन था उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगी फोर्स, दैट इज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है एफ प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r². आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटाओगे तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट देना होगा, बिल्कुल यहां पे जो कांस्टेंट लगेगी वो लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसे अपन k से डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मिल गया दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का, एफ इक्वल के q1 q2 बाई r², वेयर k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट having value 1/4πε₀. Now, it is the required here to discuss point ε₀, कि भाई ε₀ क्या है? ε₀ के बारे में अगर बात करो, तो ε₀ होती है permittivity of free space. Permittivity का मतलब क्या होता है? बुकों के अंदर आप परमिटिविटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो उसका डेफिनेशन ना क्लियर नहीं हो पाता है। मैं आपको क्लियर करता हूं कि परमिटिविटी का रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे सपोज करो आपके घर पे कोई आता है तो आपने उसे बुलाया, आपने उसे परमिशन दिया, तभी वो आपके घर में एंटर कर पाता है। उसी तरह एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में या दूसरे चार्ज के पास जाने के लिए कितना फ्री है या उसको कितना फ्रीडम मिला हुआ है, इस बात का पता हमें चलता है परमिटिविटी से। तो परमिटिविटी बेसिकली क्या बतलाता है? परमिटिविटी रिफर्स द फ्रीडम टू वन चार्ज गिवन बाय अनदर चार्ज टू मूव इट इन इट्स ओन फील्ड, अपने फील्ड में आने जाने की फ्रीडम परमिटिविटी बताता है। परमिटिविटी दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 8.85 × 10⁻¹² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बट अगर किसी मटेरियल या फिक्स्ड मीडियम की बात कर लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो क्वेश्चंस के अंदर या जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर गिवन होती है। तो कूलम्ब्स लॉ को आपने देखा कि दो चार्ज के बीच फोर्स तो आपने कैलकुलेट करना सीख लिया कूलम्ब्स लॉ से। अब सपोज करो आपके पास मल्टीपल चार्ज है, जिसको एक टॉपिक करके आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो अगर आपके पास बहुत सारी चार्जेस है, सपोज करो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो है Q0 और उसके डिफरेंट डिस्टेंस पे R1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है, R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, R3 डिस्टेंस पे Q3 चार्ज है और RN डिस्टेंस पे Qn चार्ज है, तो आपको क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सारे फोर्स का वेक्टर सम निकाल लेना है। वेक्टर सम का मतलब, जैसे पहले चार्ज के बीच का फोर्स क्या होगा? 1/4πε₀ Q0 Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। दूसरे के बीच क्या होगा? 1/4πε₀ Q0 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, सो ऑन डॉट डॉट। लास्ट के लिए क्या होगा? 1/4πε₀ Q0 Qn अपॉन RN का स्क्वायर। आप इन सबको वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर लीजिए और आपको मिल जाएगा टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज बाय द डिफरेंट चार्ज अराउंड दैट टेस्ट चार्ज। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ती क्यों है? पहला पॉइंट तो ये है, तो जैसा आप सभी जानते हो कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर को अच्छा होता है कि वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें। तो जो कूलम्ब्स लॉ से आपने सीखा था एफ इक्वल 1/4πε₀ Q1 Q2 बाई r² और उसको आपने के Q1 Q2 बाई r² भी लिख दिया था, उसे अब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि एक एक्स एक्सिस ले लेना है, एक वाई एक्सिस ले लेना है ओरिजिन से। तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई प्लेन और इस प्लेन में दो पॉइंट आपने कंसीडर कर लेना है, ए और बी। इन पॉइंट्स पे आपने सपोज करो दो चार्जेस रख दिया, सेम चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2, और दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेशन पे हैं, ए बी वेक्टर सेपरेशन पे हैं। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से मान लेना है कि पॉइंट ए जहां पे आपने चार्ज Q1 रखा है उसकी डिस्टेंस है R1 वेक्टर,
और ओरिजिन से ही दूसरी चार्ज जो आपने रखा है वो मान लेना है आपको कि वो है आर टू वैक्टर के डिस्टेंस पे। तो आप अब क्या करोगे ना कि ए और बी के बीच का पोजिशन वैक्टर निकाल लोगे, जिसको हम लोग कहते हैं ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। और सिमिलरली आप बी ए वैक्टर भी निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। अब आपने क्या करना है कि फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर्स का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। तो R के जगह पे केवल आपको क्या रख देना है, AB रख देना है एज इट इज। जो आपने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला सीखा है उसको लिख देना है और उसमें डिस्टेंस के जगह पे AB का स्क्वायर कर देना है। इसके अलावा वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको डायरेक्शन बताना है कि जो हमारी फोर्स लग रही है वो फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की तरफ मीन्स ए टू बी की तरफ लग रही है। तो उसके लिए आप इन द डायरेक्शन ए बी वैक्टर के ऊपर कैप दे सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ाई करा है कि डायरेक्शन डिनोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनिट वैक्टर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या कर सकते हो, एफ वन टू दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकेंड चार्ज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ए बी वेक्टर अपॉन में। इस ए बी वेक्टर के जगह पे आप चाहो तो फिर क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो। फाइनली इसको आप क्या रिफॉर्म कर सकते हो, लिख सकते हो F12 इक्वल 1/4πε0 ऊपर वाली लाइन्स एज इट इज Q1 Q2, नीचे में ये जो R2 माइनस R1 का स्क्वायर है वो टर्म और एक टर्म R2 माइनस R1, वो मिलके क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल क्यूब। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ए बी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला, फर्स्ट पॉइंट मिला, जिसमें आपने सीखा कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, तो वो है F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर क्यूब इन द डायरेक्शन ए बी वेक्टर। सिमिलरली अगर इसी तरह से आप F21 निकालते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो सकता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में, वहां आपने डिस्टेंस में ए बी लिया था तो यहाँ डिस्टेंस में आप बी ए ले लो, वहां डायरेक्शन में आपने ए बी लिया था यहाँ डायरेक्शन में बी ए ले लो, और वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा F21 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए वैक्टर। इसको आप और भी रिफॉर्म करके कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो F21 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए वैक्टर। अब इसको मैंने सेकेंड पॉइंट मान लिया या सेकेंड इक्वेशन मान लिया, जिससे आपको क्या मिला, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर क्यूब इन द डायरेक्शन BA। तो इस सेकेंड इक्वेशन को जरा आप अपने फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों फोर्स, चाहे वो F12 हो चाहे F21 हो, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है बट डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट है। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूडेड पॉइंट आपको समझ में आया कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड करता है, दैट इज F12 इक्वल माइनस F21, यानी फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन।